हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वीतिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्वीतिका शर्मा डायरीज में। क्या आप लोग पश्चिम ओडिशा का अन्यतम जिला झारसुगड़ा के बारे में जानते हैं? आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे एक प्राग ऐतिहासिक स्थल जो कि विक्रम खोल के नाम से जाना जाता है और ये झारसुगड़ा जिले में स्थित है। ये जगह झारसुगड़ा जिले के बेल पहाड़ से 12 किलोमीटर की दूरी पर बेल पहाड़ रेंज के अरक्षित वन में स्थित है। यहाँ नजदीक में और एक जगह है जिसको लाल पत्थर के नाम से जानते हैं। ये सर्दियों के मौसम में यहाँ पे काफी लोग जो कि पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं आज विक्रम खोल गुफा और उसके शिलालेख के बारे में। विक्रम खोल गुफा में शिलालेख लाल गेरुआ रंग का उपयोग करके एक प्राकृतिक चट्टान आश्रय में एक आसमान चट्टान की सतह पर लिखे गए हैं, जिसे बाद में चट्टान में उकेरा गया है। शिलालेख 1930 दशक के आसपास खोजे गए थे और सबसे पहले डॉक्टर केपी जायसवाल द्वारा अध्ययन किया गया था, जो अस्थायी रूप से इसे 1500 ईसा पूर्व शिलालेख के संबंध में दो सिद्धांत है। एक इसे एक लेख घोषित करता है, जबकि अन्य इसे एक रॉक कला और गैर शिक्षित रॉक नक्शाइयों के रूप में संदेह करते हैं। जायसवाल के अनुसार विक्रम खोल में प्राग ऐतिहासिक लेखन एक सचित्र शब्दांश लेखन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है, जो हरप्पा और ब्राह्मी के मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए दोनों के बीच संबंध बनाता है। खुदा हुआ भाग 35 फीट × 7 फीट के क्षेत्र को कवर करता है। एक लेखन प्रणाली के रूप में इसका समर्थन करने वाला साक्ष्य इस प्रकार है। पात्रों को सावधानी से चित्रित किया गया है और फिर अंकित किया गया है, जिसमें ब्राह्मी शिला लेखन के साथ समानता है। लेख सब नियमित पंक्तियों में है, जैसे कि रफ रफ के सतह के कारण हमेशा लेख सब नियमित नहीं होते हैं। प्रतीकों के रूपों को निर्धारित किया है, जो लिखावटों के विशेषज्ञों की शब्दावली में लेखन की आदतों का खुलासा करते हैं। जिस हाथ में सबसे पहले अक्षरों को चित्रित किया था, वो कलम से लिखने के लिए इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि शिलालेख के एक निश्चित हिस्से पर पता चलता है। व्यवस्था बिंदु को जानती है और शायद विसर्ग को भी। कुछ अक्षरों के नीचे डॉट्स होते हैं, जबकि कुछ मामलों में डॉट्स अक्षरों को विवेकपूर्ण मान देते हैं, जैसा कि सेमिटिक लेखन में होता है। प्लेट 8 पर दाहिने हाथ के शीर्ष पंक्ति, जहां एक ही प्रतीक एक से अधिक बार दोहराया जाता है, अंकों को रोजगार की ओर इशारा कर सकता है। स्पष्ट है कि कुछ अक्षर उच्चारण को प्रकट करते हैं। एक ही अक्षर के दो बार पुनरावृत्ति संभवतः व्यंजन दोहराव या संयोजन को स्पष्ट करती है। ऐसा लगता है कि लेखन शब्दांश या वर्णमाला चरण तक पहुंच गया है। प्रसाद रस्तोगी जैसे अन्य विद्वानों का कहना है कि विक्रम खोल शिलालेखों की स्थिति अभी भी बहस योग्य है और इसके पात्र अधिक खोज जांच के योग्य है। रिचर्ड सोलोमन जैसे विद्वानों ने विक्रम खोल गुफा शिलालेखों को छाया शिलालेख के रूप में पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सीएल फैब्री के अनुसार ऊपर की ओर उकेरे गए संकेत ब्राह्मी लिपि के साथ कुछ समानता हो सकता है, लेकिन लेखन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, लेकिन एक आदिम ग्रामीण लेखन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ इतिहासकारों ने महसूस किया है कि सरकारी एजेंसियों की लापरवाही और उदासीनता के कारण शिलालेख सब लुप्त हो रहे हैं और उपद्रवियों के द्वारा क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आसपास की पहाड़ियों में कोयला खदानों की गतिविधियां, स्पंज आयरन जैसे उद्योग इस प्राग ऐतिहासिक पुरातत्विक स्थल पर पर्यावरणीय दबाव डाल रहे हैं।
शिला आश्रय जहाँ शिलालेख पाए जाते हैं पूरी तरह से संरक्षित नहीं है और वातावरण के लिए खुला रखा जाता है। शिलालेखों को विरुप्त करने के लिए बेंडल और आगंतुकों के लिए गुंजाइश देता है, जैसा कि ये बेल पहाड़ रेंज के रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर स्थित है। इस जगह की दूरस्थ पहुंच में भी सरकारी एजेंसियों द्वारा उपेक्षा में योगदान दिया है। प्रोटो ब्राह्मी या पूर्व ऐतिहासिक शिलालेखों का एक और सेट सुंदरगढ़ जिले के गर्जन डोंगर और उड़ीसा के संबलपुर माने हमारे संबलपुर जिले के उषाकोठी में पाया गया है। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए मैं आज का वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। तो आज के लिए बाय।